बहुत कुछ देखना है ना, గజరాజ్ సింగ్ గారి దగ్గర నేను మాట్లాడాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇడి గారి తోటి. ఇది ప్యూర్లీగా అటాచ్మెంట్ ఉంది అటాచ్మెంట్ ఉంది వాళ్ళు ఎంట్రీ కావాలని లేదని చెప్పారు. మేము అది స్టే తెచ్చుకున్నాము, మేము ఈడీ వాళ్ళకి మాట్లాడుతున్నాము, మేము స్టే తెచ్చుకున్నాము, అది మాట్లాడుకుంటాము. మాకు ఎంట్రీ కాకూడదు అనేది ఎక్కడ లేదు, ఎంట్రీ అవ్వచ్చు, ఇది సేల్ చేయొచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ ఉన్నాడు సార్. ఇక్కడ చూడండి సార్, ఏ ఏ హోల్డర్స్ కూడా కాల్ చేస్తే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా ఉంటే వచ్చి పిఎస్ కార్డు చూపెట్టాలి కదా, చూపెట్టకుండా మీరు పిఎస్ కు బుల పిఎస్ चलेंगे सब लोग, चलेंगे सब चलेंगे. आप लीगल फाइट कर रही हूँ ना, मैं कोई इलीगल है तो मैं यहाँ क्यों आऊँगी? मैं इंसाफ के लिए फाइट कर रही हूँ, मैं इंसाफ के लिए फाइट कर रही हूँ, और कोर्ट के आर्डर से फाइट कर रही हूँ. कोर्ट के आर्डर्स का भी कंटेम्प्ट हो रहा है, उस पर मैं ये कर रही हूँ बस. ओके సుప్రీం కోర్టు డాక్యుమెంట్స్ అంతా వీళ్ళకి అర్థం కాదు. ఢిల్లీ నుంచి మన టీం వచ్చింది, అంతా చూస్తుంది, అందరికీ ఇది ఉంటే ఇది సారా అని మనం చూసుకుంటాము. ఇది అటాచ్మెంట్లో ఉండగా పొజిషన్లో నేను ఉన్నాను, ఆల్ ప్రాపర్టీ అది సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది. ఇక్కడ हिंदी बोलते सर, आप एडवोकेट है जब आपको ये पता चला कि आपकी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आर्डर जो मैडम जो आर्डर दिखा रहा है सिविल मैटर्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिविल मैटर्स के अंदर हम कोई गलाटा भी नहीं कर रहे, मेरा को बुलाया भी नहीं. मेरा यदि बात सुनी जाती है तो कुछ बोल सकते आप, बैठिए सर, बैठिए सर. ये जो आर्डर जो दिखा रहे हैं इनकी माना ओके सर, तो इसके अंदर साफ सबसे लास्ट में साफ में एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, बोली जो इनको नहीं करना एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी को दूसरा लोग भी क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आप भी क्लेम कर रही है थ्रू सेल प्रोसीजर, सेल प्रोसीजर थ्रू आप क्लेम कर रही है, अदर पार्टी कोर्ट डिग्री का जेल उन लोग क्लेम कर, ठीक है. पहले आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसके बाद में कोर्ट आके बेली फ्री डिग्री के बेस पे बेली फ्री पोजिशन डिग्री होल्डर्स को दे दिया, उसके बाद में ईडी अटैक होता है. तो फिर अभी ये इसके ऊपर एंट्री नहीं हो रही, इसमें नहीं होना था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में नहीं, इसी ये लास्ट पैराग्राफ अगर पढ़ लीजिए तो मैं तो बोल दीजिए सर, एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग विद लॉ बोले अगर पार्टी भी हमें एंट्री नहीं होना करके आप इतना वट बता दो किसी भी कोर्ट के आर्डर में, एक पॉइंट के लिए, एक दिन के लिए भी, एक पल के लिए यहाँ आपके सामने से चले गए तो फिर हम हमेशा के लिए नहीं आते. सुप्रीम कोर्ट हमें एंट्री करना बोली है, सुप्रीम कोर्ट सेल कर लो, सुप्रीम कोर्ट का वार्डर का मैटर जो और जो भी आप बोले देवी को यस्टरडे भी आप जब गए थे वहां पर तो उस टाइम पे वो नहीं जो भी आते जो अच्छा अंदर दूसरा रहता है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, ये प्रॉपर्टी पे कौन भी नहीं है सर, ये प्रॉपर्टी पे कौन भी नहीं है हमारा सर, मालूम है सर, ये हमारे पोजीशन में है सर, इसमें कोई भी नहीं, इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी रहे तो बुला.
अगले बंदा जो दिल्ली में, हमने भी तो जीपीओ होल्डर, हमने तो सुप्रीम कोर्ट में जीता है ना, जीपीओ होल्डर आपका की डिग्री होल्डर, सो ही इज एन एग्रीड, ही इज आल्सो एग्रीड पर्सन, यू मे बी आल्सो, यू मे बी आल्सो एन एग्रीड पर्सन. And peaceful dog yahan par nahi hota. If we have any problem with regards to this issue, we can come to police station and give a presentation along with the connected documents. Okay, ma'am. If you enter here, the other party will also came here. Then what happened? You people are deliberately disturbing the land order. As far as our concern, no? You are disturbing the peace and the tranquility. Court ka order phir kya karne ke liye? Other party aayegi, agar other party ko control nahi karegi. Nobody kya coming here. लो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें क्यों आएंगे? उनका नहीं आ रहा ना, दे आर रेस्पेक्टिंग द ऑर्डर्स ऑफ द हॉनरेबल कोर्ट एंड ईडी अटैचमेंट, वहाँ इंक्रोचमेंट कर लिए, इधर क्यों आएंगे? यस, उसके बारे में बताते, उसके बारे में बताते, इफ यू आर फाइटिंग फॉर राइट्स ओवर दैट प्रॉपर्टी, इफ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस विथ यू, you can go in the court of law and file the execution application. Execution petition, they will appoint the bailiff, the court will tell us, give us a warrant to protect the peaceful people. Hamara naam kon mitaye, paint laga ke hamara naam bolo sir, kon mitaye hamara naam, kon mitaye company daale, but that purpose also ed was given a complaint to, based on that a case was registered on Supreme Court, check kar diya ed ko, daant ke, ed ko daant ke stay kiya hai Supreme Court. फिजिकल पोजीशन के अंदर भी लिया बोल के ईडी का अटैचमेंट कार्ड के अंदर है सर. देखो आप मेरे से आर्गुमेंट करने से नहीं होता, राइट अथॉरिटी को अप्रोच करने के लिए बोल रहा हूं, सो दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ द सोसाइटी, ईडी का सुप्रीम कोर्ट रेस्पोंडेंट है सर, ईडी सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट है, जवाब देंगे हम, जवाब देंगे उनको. फिर आप ऐसा आना तो फिर नहीं, हम अपने जगह में बैठे ही, हम ना गलाते करें ही, हम ना आवाजें करें ही, कुछ भी नहीं सर, हमें आराम से अटैचमेंट उनको कैसा कॉल करूंगी, तुम करो ना, मुझे बताओ, एक लेटर ला लो जिससे अटैचमेंट की हर प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन है, ईडी के पोजीशन में नहीं है, ईडी पोजीशन हैंडओवर की है, अटैचमेंट अकाउंट्स पूरे टोटल पोजीशन हमको हैंडओवर की है. तो और इस पर बोर्ड लगाने से एफआईआर कर दिया था, एफआईआर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि ये अगर बोर्ड नहीं लगाएगी तो सेल कैसे करेगी, जज साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट के, इवन दैट आल्सो दे अगेन गिवन अ कंप्लेंट बेस्ड ऑन दैट वन मोर केस वाज सर, वो कोर्ट बोलेगी ना, सुप्रीम कोर्ट में है ना, रिस्पोंडेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी. अब अगर सुप्रीम कोर्ट मुझे बोल देगी तो मत जाना, तो मैं रुक जाऊंगी, आप इधर वो कुछ है तो कोर्ट से आओ, मैं भी मदद करता हूँ. पोजीशन के लिए वो लोगों में फाइट कर रहा, आप लोगों में फाइट कर रहा सर, पोजीशन के लिए कोई फाइट नहीं है सर, इधर लैंड ग्रैब प्रॉब्लम आ रहा है. नहीं, ये वाला जो लेटर आप बोल रही है मैडम, क्राइम नंबर 35 के अंदर, मैडम 35 क्राइम नंबर के अंदर आपने कोर्ट किया, यू आर द कंप्लेनेंट, you went to the court to, and you are asking that police will not interfere in this position, mein hoon karke supreme court ko report dal diya, dm ne submit kiya hai sir, that is wo kab submit kiya madam, wo kab, ye attachment ke baad 2 saal ke, do saal ke attachment ke baad kiya hai madam. madam uski purpose kya hai सर, मैं आप आर्ग्यू कर सकती हूँ सर, कोर्ट में कर सकती हूँ सर, मैं आर्ग्यू आपसे नहीं, ठीक है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, कोर्ट से लेके आओ, हमको कोर्ट से आ रहा है, बताओ, और हमको ईडी का लेटर लो, मैं एंटर नहीं हूँ ना सर, को फोन कर लो, मुझे सर एक बार बोलने दो, मैं अभी निकल जाऊंगी.
मैं पोजीशन में हूँ, मैं परसों ही ट्रिब्यूनल कोर्ट से आर्डर भी ले ली हूँ। मुझे गजराज सर एक बार बोलने दो, तुम नहीं जा सकती है। आर्डर सब मेरे पास था, तो दिखा दीजिए ना। हाँ मगर इन्होंने इविक करो करके मुझे नोटिस दिया, मैं जाके स्टे लेके आ गई। बस इविक्शन करो तुम्हें करके बोल के नोटिस दिए ना, नोटिस दिए तो मैं जाके स्टे लेके आई कोर्ट को दिल्ली में। मेरे पास है अभी, जैसे मिला सकते नॉर्मली सिक्योरिटी तो वही पहनती है। नॉर्मल शॉपिंग मॉलों में भी पहन के शॉपिंग मॉल है। आपको इंडियन आर्मी को आप बेइज्जती कर रहे हो।